मॉर्निंग गाइस, सुबह रेडी हो चुके हैं, अंदर से तैयार होकर निकलना पड़ रहा है क्योंकि ठंड एक्चुअल में बहुत ज़्यादा है। तो फिलहाल अब चाय वाय पी के सीधे निकलेंगे मंजिल की तरफ। वैसे अगर आप पहली बार व्लॉग देख रहे हैं मेरा, क्योंकि मैंने इस चैनल पर कभी डाला नहीं है, लेकिन अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आगे बहुत बढ़िया जर्नी रहने वाली है। क्योंकि मैं आपको लेके जाने वाला हूँ बहुत ही अच्छी जगह, खूब सारी बर्फबारी देखने को मिलेगी और देखना है कि अपनी गाड़ी इतनी कैपेबल है कि नहीं है कि वहाँ जा पाए। बस सुबह की चाय और चाय पी के बस अब हम लोग निकलते हैं आगे की तरफ। मैं आपको दिखाता हूँ भाई पहाड़ काट कर किस तरीके से जो है रास्ते बनाए जाते हैं। आप ये देख लो इस तरीके से भैया, पूरे बड़े बड़े पहाड़ जो होते हैं ना उनको तोड़ दिया जाता है इस तरीके से, और तोड़ कर भैया रास्ते बनाए जाते हैं। आपके सामने है कुछ किस तरह से जो है रास्ता बनता है। भाई इस तरफ आ चुका है कुल्लू, अब कुल्लू हम क्रॉस कर रहे हैं और बाहरी बार से कर रहे हैं, लेकिन जितना भी है भाई सफर बहुत अच्छा है, रास्ता तो बहुत ही अल्टीमेट है। मतलब इतना बढ़िया रास्ता, तो भाई अगर आप ट्रेवल भी करो ना और ऐसे रास्ते आपको मिल जाए तो आपका पूरा पैसा वसूल हो जाता है। गाड़ी मेरी कॉन्टिन्यूसली फिफ्थ गियर में चल रही है, बताओ पहाड़ों में भी पांचवें गियर में कहां लगती है, लेकिन ये चल रही है और इतना स्मूथ बढ़िया चली यार गाड़ी। मतलब मैं क्या कह दूं, उम्मीद से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन है भाई। मुझे तो उम्मीद नहीं थी ये पहाड़ों पे ऐसे चलेगी, ऐसा लग रहा मुझसे ज्यादा जल्दी तो इसको है पहाड़ों पे चढ़ने की। फिलहाल अटल टनल क्रॉस कर बैठा तब बताता हूँ तुझे, फिलहाल तो चल ही रही है, देखते हैं। फिलहाल 60 की स्पीड पे पांचवा गियर मेंटेन करके अपना नॉर्मल। ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ये दिख रहा है कुल्लू, कुल्लू जी कुल्लू क्रॉस कर रहे हैं हम इसको। हम लोग मनाली से अब अटल टनल की तरफ बढ़ चुके हैं। अटल टनल बचा है सिर्फ 28 किलोमीटर यहाँ से, और भाई रास्ता तो मनाली पे तो अब बहुत ज्यादा भीड़ है। रास्ता बहुत बढ़िया है लेकिन मनाली पे बहुत ज्यादा भीड़ है, और उधर देखो ऐसा बर्फ बर्फ ही दिखाई दे रही है, और मुझे लग रहा है अभी बर्फबारी चल रही है वहां पे, लेकिन वैसा मजा आ जाएगा नो डाउट। अटल टनल के पास में पहुंच चुके हैं और अभी अगर मैं टेम्परेचर दिखाऊं तो हैरान रहोगे क्योंकि अभी पूरी धूप हो चुकी है, लेकिन यहाँ देखो फिलहाल टेम्परेचर एक चल रहा है, और एवेल्यूशन के मामले में तो हम करीबन 2500 मीटर के आसपास होंगे, मुझे दिखाई नहीं दे रहा लेकिन आप खुद ही देख लीजिए क्या है, एक टेम्परेचर है। और भाई साहब बाहर हाथ निकाल रहे हैं ना, बहुत ठंडा यार, बहुत ज्यादा ठंडा है, लेकिन ठंडा इतना है एयर टेम्परेचर में यार, बस मुझे बताया कि क्या जान निकल रही है, आप हाथ नहीं बाहर कर सकते सीरियसली, लेकिन भाई साहब ऊपर जाके पता चलेगा बर्फ तो असली। लेकिन एक चीज है भाई, गाड़ी की परफॉर्मेंस कमाल की हो रखी और माइलेज भी ठीक ठाक दे रही है, ऐसी बात नहीं है। ये भाई साहब पूरी खड़ी चढ़ाई है, पूरी खड़ी चढ़ाई, और यकीन मानो पिछली बार जो मेरी आईटन थी वो खड़ी हो गई थी, चली नहीं थी यहाँ से, बाद में हिम्मत हार गई थी, तो ये इतनी खड़ी चढ़ाई है, फर्स्ट गियर में चढ़ानी पड़ी थी ये, तो फिर भी चलो सेकंड में थोड़ा बहुत तितर मुतर करके चली रही है, लेकिन उसने तो हिम्मत हार ली थी भाई। लेकिन यहाँ लगा हुआ है जाम आगे की तरफ, पता नहीं किस चीज का है भाई। तो भाई ये आ चुकी है अटल टनल, यहाँ से क्रॉस करना है बस, इसके बाद में तो फिर पूरा शानदार वो होगा, मतलब एक्सपीरियंस आपको बहुत ही अलग, क्योंकि अभी भी आप देख सकते हो कितना बढ़िया वेदर जो है यहाँ का दिखाई दे रहा है। तो भाई फाइनली हम लोग आ चुके हैं अटल टनल, हालत तो बहुत खस्ता होगी और यहाँ टेम्परेचर भी बहुत कम है। फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ यार, इस वक्त दिखा रहा -4 और हम हैं ऊंचाई पे करीबन 2900 मीटर की ऊंचाई पे हैं इस वक्त हम, और -4 जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर -4, आप देख सकते हो मेरे पीछे है अटल टनल, काफ़ी बढ़िया रहने वाला है आज यहाँ पे। और मैं इसको क्रॉस करने के बाद पता चलेगा क्योंकि वहाँ पर कम से कम -10 के आसपास टेम्परेचर होना चाहिए, मैं आपको दिखाता हूँ उस पर। फिलहाल ये रहा अटल टनल तोता, तो फिलहाल आगे की तरफ चलते हैं, लेकिन बेहतर देखिए भाई साहब कितना सुंदर लग रहा है, हर जगह सुंदर था इसको कहते हैं, लेकिन यहाँ भीड़ बहुत है नो डाउट, इतनी भीड़ है भाई जिसकी हद नहीं है। चलते हैं अंदर अटल टनल रोहतांग, ये देखिए। वैसे यहाँ पे स्पीड जो है वो 40 की ही परमिट है, आप जगह जगह देखोगे वहां लिखा हुआ मिल जाएगा कि आप 40 से ऊपर नहीं चल सकते,